लेकिन फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया सितंबर 2016 में, और तब उसके बाद नवंबर 2016 में एक सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस ने यह बोला, उनसे पूछा गया कि आपने 36 हवाई जहाज का सौदा किया है, कितने में किया है? उन बोला हाँ हमने 36 हवाई जहाज का किया है और उसमें एसोसिएटेड वेपन्स और इक्विपमेंट वगैरह भी होगा, और एक हवाई जहाज का दाम 670 करोड़ होगा। बड़ी अच्छी बात है, 670 करोड़ तो ठीक था, लेकिन उसके दो महीने बाद रिलायंस ने अपना प्रेस रिलीज इशू किया कि हमको ये बहुत बड़ा सौदा हुआ है 60,000 करोड़ का, 36 हवाई जहाज का, यानी कि एक हवाई जहाज का दाम 1660 करोड़। दूसरा उन्होंने बोला कि इसमें 30,000 करोड़ के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आधे, और तीसरा उन्होंने बोला कि ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादातर हमें मिल रहे हैं, प्रेस रिलीज दिया उन्होंने। डेसॉल्ट कंपनी ने भी अपनी एनुअल रिपोर्ट इशू करी, उसमें भी ये खुलासा हो गया कि भाई ये सौदा जो है 60,000 करोड़ का है, 7.8 बिलियन यूरो। अब मोदी जी ने उनसे बोल दिया कि भाई आपको 50% ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट देने, आधा आपको हिंदुस्तान की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देने हैं सब कॉन्ट्रैक्ट, और उस आधे में से अधिकतर आपको रिलायंस को देने हैं, कम से कम 70% उसमें से रिलायंस को देने हैं, ये कंडीशन लगा दी गई। यानी कि पूरे डील का 35% पैसा आपको रिलायंस को देना है, बाकी 15% और लोगों को देने ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने बोला हम कहां से दें, आपकी रिलायंस तो फोकट कंपनी है, ये तो कुछ नहीं काम करेगी, कुछ नहीं बना सकती, क्या करेगी? उन बोला ठीक है हम दाम बढ़ा देते हैं। इसलिए दाम बढ़ाए गए कि 35% कमीशन, ये देखिए ये कमीशन के अलावा कुछ नहीं है, ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर कमीशन दिया गया है। बोफोर्स कांड जो था उसमें 4% कमीशन दिया गया था, 64 करोड़ रुपए कमीशन दिया गया था, इसमें ऐसा लग रहा है कि 21,000 करोड़ का कमीशन है इस सौदे में। और सिर्फ कमीशन ही नहीं है, बोफोर्स में हमारे सिक्योरिटी से समझौता करने की या हमारे आर्मी को बर्बाद करने का की कोई बात नहीं थी, यहां तो आपने एयरफोर्स की कमर तोड़ दी। एयरफोर्स पिछले 15 साल से कह रहा है कि हमको 126 हवाई जहाज चाहिए, उसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। मोदी जी ने अपने आप सारे प्रोसीजर रूल रेगुलेशन सबको ताक पर रखकर खुद वहां जाकर सौदा कर लिया कि 126 नहीं सिर्फ 36 हम ले लेंगे और उसका दाम ढाई गुना कर देंगे और उसमें से 35% कमीशन रिलायंस को देना पड़ेगा। यानी कि आपने हमारे सुरक्षा से सौदा कर लिया, आपने एयरफोर्स की रीढ़ तोड़ दी, आपने मेक इन इंडिया हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता हवाई जहाजों में खत्म कर दी, और आप अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को जलील कर रहे हैं। सीतारमन कहती हैं 126 के लिए तो हमारे पास जगह ही नहीं थी, पार्क कहां करते हैं? पहले तो ये बोला कि पार्किंग की जगह ही नहीं थी। अब ये रिलायंस ने जो अब डेसॉल्ट कंपनी कह रही है कि हमने रिलायंस से सौदा इसलिए किया क्योंकि रिलायंस को जमीन मिल गई थी, जैसे कि मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और किसी और कंपनी के पास जमीन ही नहीं थी, रिलायंस की कंपनी बनी तुरंत सब लाइसेंस दे दिए गए तुरंत, ये सारा आपको हमारी पिटिशन में मिल जाएगा, तुरंत 250 एकड़ जमीन दे दी गई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। और फिर डेसॉल्ट कहता है कि देखिए नहीं नहीं रिलायंस को तो हमने चूज किया, उसका सीईओ कहता है, और इसलिए चूज किया क्योंकि उसके पास जमीन थी,
जैसे किसी और के पास जमीन ही नहीं है 250 एकड़, वैसे किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? और आपने ये सब कुछ कर दिया कि हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता खत्म कर दी, आपने एयरफोर्स को की कमर तोड़ दी, आपने हमारे सुरक्षा से समझौता कर लिया, आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो एकमात्र पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो ये काम कर सकती है उसको जलील कर रहे हैं। फिर निर्मला सीतारमण कहती हैं कि नहीं नहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पास तो क्षमता ही नहीं थी बनाने की। और ये सब कुछ आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपका जो मित्र है जो आपके साथ जिसको आप ले गए थे वहां पर फ्रांस में जब ये सौदा किया मोदी जी, कि उसको 20,000 करोड़ मिल जाए। मतलब इससे बड़ी गद्दारी देश के साथ कुछ हो सकती है? ये गद्दारी नहीं है तो क्या है? उसके बाद हमने कंप्लेंट दी सीबीआई को कि देखिए इसमें दो बहुत बड़े प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऑफेंसेस कमिट करे गए हैं। एक तो सीधा घूसखोरी की बात है, क्योंकि घूस ये जरूरी नहीं है कि घूस आप खुद लें, घूस आप किसी और को भी दिलवाएं तो वो भी वही ऑफेंस है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सेक्शन 7 में। घूस आप खुद लें या अनिल अंबानी को दिलवाएं, एक ही बात है, एक ही ऑफेंस है। तो एक तो घूसखोरी का ऑफेंस, दूसरा क्रिमिनल मिसकंडक्ट कि आपने अपना पद का दुरुपयोग किया। आप प्रधानमंत्री थे, आप कोई शहंशाह नहीं थे इस देश के, आपके पास कोई अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं थी कि आप जिसके साथ जाकर जो अग्रीमेंट साइन कर दें, जितना रुपया दे दें, जो कुछ भी कर दें। पूरा प्रोसीजर रूल्स बने हुए थे इसके कि भाई आप कोई रक्षा सौदा करेंगे तो कैसे होगा। आपने अपने पद का दुरुपयोग करके अंबानी को और डेसॉल्ट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सब किया है।